पूरे 7 महीने बाद घर से निकल रहे हैं। बाबू बाबू, और वो भी इतना दूर जाना है एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी लंबा रास्ता है। बस चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे हो चुके करीब 15 से 20 मिनट, और अभी और मुझे करीब 1-1.5 घंटे लग जाएंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। और आगे चल के मुझे कुछ दो दो फ्रेंड्स मिलेंगे, हम मतलब अभी मिली नहीं हूँ कभी, फर्स्ट टाइम मिलेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मल सीट ही ग्रुप में थे तो मैंने पूछ लिया कि अगर कोई सेम सेंटर पर है तो हम शेयरिंग बेसिस पर जा सकते हैं। तो लकीली मुझे 2 जन मिल गए, और जब वो आ जाएंगे तो मैं वीडियो नहीं लूँगी, पता नहीं उनको पसंद आए ना आए। तो या लेट्स सी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, बुक्स वगैरह कुछ लिए नहीं थे, फ्रेंड्स से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थे सब्जेक्ट्स के तो वो मैंने शेयर कर लिया था, बस वही प्रिपेयर करके जा रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि पेपर अच्छा जाए। और जो सीईटी के पेपर्स दे रहे हैं उन सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट, क्योंकि शायद जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक एग्ज़ाम सभी ने दे दिए होंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो फाइनली मुझे एक हाथ तो दिखा है उनको, मैंने अपना ओला का नंबर शेयर किया था, तो मैं वीडियो अब बंद करूँगी, और सीधे एग्ज़ाम के बाद जब बाहर आऊँगी तो मैं ज़रूर बात करूँगी आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय। ओह सो फाइनली एग्ज़ाम तो बढ़िया था। अब सुबह से कुछ खाया नहीं तो सोच रही कुछ खा लेते हैं। ये रहा हमारा कैंपस, पूरा वीडियो नहीं ले रही हूँ, और यस ये हम आ गए कैंपस के बाहर, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है खाने वाने की, तो सोचा मैकडोनल्ड में जाए। और यस ये रहे मेरे दोस्त, लवली टू मीट देम रियली। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हमको ओला नहीं मिल पाई, आधे 1 घंटे ट्राई किए हम लोगों ने तो मुझे भाई मिल गया। यस माय बेबी ब्रदर। और ये ट्रैफिक बस कंटिन्यू ही होता जा रहा था, करीब 1 से 1.5 घंटे तक हम सिर्फ ट्रैफिक में अटके थे, और तब तक मिर्ज़ापुर की सीरीज देख रहे थे। और फिर कुछ समय बाद वही हाल। तो 1 घंटे के रास्ते को 1-1.5 घंटा लगता है, तो मुझे करीब करीब आज लग गए हैं 7:30 से लेकर नियर अबाउट 10:15 के करीब कुछ हो रहा था, 3 3 घंटे तो हो ही गए थे समझ लो। और अच्छा हुआ मुझे भाई लोग मिल गए थे, मैंने अपने फ्रेंड्स को ड्रॉप कर दिया, और अब मेरे भाई लोग मुझे घर तक ड्रॉप करेंगे। तो फ्रेंड्स आज पूरा दिन बस ऐसा ही गया। सो फाइनली कल का पेपर जो था वो कह सकते हैं कि अच्छा गया था। इतना तो श्योर है कि मुझे इस साल बीएड में एडमिशन लेना है, और उसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। तो यस आई एम अ टीचर, और बीएड नहीं किया था तो बीएड करना ज़रूरी है टीचर्स के लिए ना। तो मेरे पास इसी सेट की डिग्री थी जिससे अभी तक मैं फ़िलहाल पढ़ा रही हूँ बच्चों को। और रही बात कल रात की, तो कल रात को जो मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिले थे ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब 7 महीने बाद आफ्टर मार्च मैं पहली बार कल इतने दूर गई थी एग्ज़ाम के लिए, वो भी इतना ज़्यादा गंदा ट्रैफिक था ना कि पूछो मत, मतलब हालत हो गई थी। इससे अच्छा मतलब इतने दूर में तो मैं अपने गांव के आधे रास्ते में पहुंच जाऊंगी ऐसा लग रहा था। तो वहां पर फिर ओला भी नहीं मिल रही थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो वो लोग भी नहीं लेते हैं। तो लकीली मेरे भाई का ऑफिस वहाँ पर था, तो मैंने उससे बात की और वो बोला ठीक है आ जा, मैं चल तुझे छोड़ देता हूँ। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स जो थे हम लोग फिर भाई के साथ में आए, और मज़ा आया काफ़ी दिन के बाद। और यार जो बर्गर और जो कॉफ़ी मिली थी ना वहाँ पर, कैपेचिनो, मज़ेदार, एकदम मस्त मज़ा आ गया, क्योंकि पूरा दिन हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, सब घर पे खाना बनाकर, लेडीज़ लोग खाना वाना नाश्ता वाश्ता घर पे बना के रेडी लग देते, बट खुद खुद का ध्यान नहीं देते,
अब मैं भी नहीं। तो वहाँ पर जाने के बाद शाम को जब हम फ्री हुए तो 6:30 7:45 बजे तक तो हमसे ओला बुक कर रहे थे, फिर भी नहीं हुई तो हम लोग खा लिए वहाँ पर ही। और उसके बाद फिर जब भाई मिला तो फिर हम भाई के साथ में आ गए घर पे। और अब कल है दशहरा तो दशहरे की तैयारी करनी है, तो डेली तो मेरा वीडियोस नहीं बन पाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी जब मुझे टाइम मिले या कुछ मुझे शेयर करना हो तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और रही बात सीईटी पेपर्स की, तो पेपर जो था वो अच्छा था और रिज़ल्ट नेक्स्ट मंथ आई गेस लग जाएंगे सबके। तो आई जस्ट होप कि जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया यार सारे के सारे पास हो जाओ, क्योंकि बहुत टफ पेपर आते ही हैं वो तो है, बट यू नो एडमिशन मिल जाए तो एक और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है कि मेहनत जो है वो थोड़ी बहुत ही मेहनत की हो, थोड़े ही मार्क्स आए हों चलता है, बट साल वेस्ट ना हो। तो विशिंग ऑल दी पीपल हु हैव गिवन एग्ज़ाम फॉर सीईटी 2020 वेरी गुड लक। और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं ट्राई करूँगी कि और अच्छे वीडियोस बनाऊँ। अभी मैं फ़िलहाल बता दूँ कि मैं मोबाइल पर वीडियो बनाती हूँ और मोबाइल पर ही एडिट करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो एडिटिंग वेडिटिंग का, बट मैं अब वो भी लर्न करूँगी, डोंट वरी। ओके, तो इस वीडियो को बनाते समय मैं, मुझे लग रहा है वाकई मैं बहुत कुछ सीखूँगी। स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है हिचकिचाहट आती है, पहले अजीब लगता है, बट धीरे धीरे आई नो आदत हो जाएगी। ओके, सो विल सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर फैमिली।